विधानसभा चुनावों के बीच देश में करतारपुर कॉरिडोर से दूर पाकिस्तान पर राजनीति गर्म, पाकिस्तानी गुगली पर भारत का पलटवार। सुषमा बोले पड़ोस की असलियत सामने आ गई। मैंने आपका बयान देखा है गुगली वाला, जो बहुत नाटकीय ढंग से आपने पेश किया है। मैंने कहा है इन्होंने आपका असली चेहरा, इस रिमार्क ने आपका असली चेहरा लोगों के सामने ला दिया। सिद्धू गोले खड़ी जंग पर बोले सुषमा, ये सिद्धू अमरिंदर राहुल के बीच तीन कैप्टन्स का है मामला। सुषमा ने बीकानेर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। सुषमा स्वराज ने कहा चुनाव नहीं लड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं राजनीति से ले रही हूं संन्यास। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का सिद्धू पर बड़ा हमला, कहा सिद्धू ने बीजेपी की गंगा छोड़कर कांग्रेस के गटर में लगा दी छलांग। उसमें आ जाते हैं सिद्धू गंगा जी में थे, वहाँ से गंदे नाले में कूद गए कांग्रेस में, अब वहाँ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए दया के पात्र है बेचारे। हरियाणा के खट्टर सरकार के मंत्री अनिल विज ने सिद्धू पर की टिप्पणी, साथ ही पाकिस्तान के इमरान खान को बताया शैतान, सेना के दांत खट्टे करने की दी चुनौती। नवजोत सिंह सिद्धू तूने पाकिस्तान के जितने गीत गाने हैं गाने। सिद्धू की पंजाब सरकार से छुट्टी कर सकते हैं कैप्टन, सूत्रों के अनुसार आज कर सकते हैं मंत्रियों से सलाह मशवरा। सिद्धू के खिलाफ सामने आए पंजाब के 10 मंत्री, राजेंद्र बाजवा बोले अगर कैप्टन को सिद्धू नेता नहीं मानते तो मंत्री पद से दे दें इस्तीफा। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के एक वीडियो से बड़ा विवाद, कह रही हैं अमरिंदर के नहीं राहुल के सिपाही हैं सिद्धू। हम सिपाही हैं राहुल के, हम इंडिविजुअल इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिपाही हैं, हम यहाँ पे सीएम साहब या मिनिस्टर्स के सिपाही नहीं है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने सिद्धू को दी सीख, कहा याद रखें सिद्धू पंजाब में कैप्टन मुख्यमंत्री ही हैं, राहुल हैं देश में पार्टी के कैप्टन। पाकिस्तान जाने पर सिद्धू की सफाई, कहा राहुल गांधी ने नहीं कहा पाकिस्तान जाने को, इमरान के नाते पर गए। विवाद में गिरे सिद्धू ने की कोटा में रैली, दिया नया नारा। उदयपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को गिरोह का सदस्य बताकर घिर गए राज बब्बर, कहा एक पार्टी का सरगना बना दूसरा देश का बीजेपी ने चुनाव आयोग से कर दी शिकायत। अलवर में बोले राजनाथ, हार की हताशा में कांग्रेस जाति धर्म गोत्र की अंधेरी गलियों में लगा रही है गोते। राजनाथ ने कहा जो कांग्रेस पहले हिंदुत्व पर चर्चा से बचती थी, वो हमसे हिंदुत्व पर सवाल पूछ रही है। टोंक में प्रचार के दौरान चूल्हे पर रोटी सेकते नजर आए बीजेपी उम्मीदवार यूनुस खान, विपक्ष ने किया सवाल कहां गई उज्ज्वला योजना। धार में कांग्रेसी कार्यकर्ता ईवीएम की सुरक्षा करते आए नजर, स्ट्रांग रूम के बाहर दे रहे हैं धरना। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता का उठाया मुद्दा, बोले इसे हम हासिल करके रहेंगे। फारूक ने पीएफओ को बताया पाकिस्तान का हिस्सा, बाकी जम्मू कश्मीर भारत का, भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती को बताया जरूरी। महबूबा मुफ्ती का नया बयादरा, प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में पीओके को बताया पाक प्रशासित कश्मीर पीओके में मौजूद शारदा पीठ का रास्ता खोलने की अपील। राम मंदिर निर्माण को लेकर दिल्ली में वीएचपी ने निकाली बाइक रैली। ओवैसी ने तेलंगाना में चला सांप्रदायिक कार्ड, मोदी सरकार पर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को खत्म करने की साजिश का आरोप। ओवैसी ने पीएम मोदी और अमित शाह के हैदराबाद दौरे पर उठाए सवाल, कहा यूपी और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर मुसलमानों की आवाज दबा देना चाहते हैं दोनों। इनका मकसद क्या है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासी आवाज को खत्म कर दिया गया। ओवैसी का आरोप, जनेवधारी राहुल नहीं समझ सकते मुसलमानों की पीड़ा, वो पर्यटक की तरह तेलंगाना आंध्र प्रदेश आते हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कांग्रेस से किए सवाल, आजादी की जंग में कितने कांग्रेसियों को हुई थी फांसी। राम मंदिर पर रामदेव ने मोदी सरकार को दी धमकी, राम मंदिर के लिए कानून बनाए मोदी सरकार, भक्तों को खुद मंदिर बनाने पर मजबूर न करें मोदी। यूपी के हरदोई में नमस्ते और सलाम को लेकर गरमाई राजनीति, सरकारी स्कूल में उर्दू के शिक्षक ने नमस्ते पर लगाई रोक, छात्रों को सलाम करने को कहा। उर्दू शिक्षक के नमस्ते पर पाबंदी के बाद कुछ परिजनों, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में किया हंगामा, शिक्षक को मांगनी पड़ी माफी। साई बचाएंगे फडणवीस सरकार, शिरडी ट्रस्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया 500 करोड़ रुपए का बिना ब्याज वाला कर्ज। साई दरबार से मिले 500 करोड़ के लोन से महाराष्ट्र सरकार सिंचाई परियोजना को देगी गति, नहरों का होगा निर्माण।
साईं भक्तों ने महाराष्ट्र सरकार को साईं ट्रस्ट से 500 करोड़ रुपए कर्ज पर उठाए सवाल, कहा विकास योजना का पैसा जुटाना सरकार का काम, यही हाल रहा तो ट्रस्ट के कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल पाएगा। गाजियाबाद में बीएसपी विजन दल ने राम मंदिर का उठाया मुद्दा, निकाली बाइक रैली, 9 दिसंबर को दिल्ली में बड़े आयोजन की तैयारी। सबरीमला मंदिर में महिलाओं की पूजा को लेकर नहीं थम रहा विवाद, बीजेपी ने किया प्रदर्शन। सबरीमला पर जारी घमासान विरोध के चलते दर्शन किए बगैर लौट गई महिला श्रद्धालु। हाथरस में राजा महेंद्र प्रताप की जयंती के कार्यक्रम में डांसर्स ने लगाए ठुमके, मौजूद रहे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में कांग्रेस नेता हाकिम अली ने ऊंट पर किया प्रचार, बाद में खुद को तराजू पर तोला। हाकिम अली ने दरगाह में ज्यारत भी की, जनता के दिल में उतरने के लिए रो भी पड़े। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी, शहनाई की धुन पर जोरदार स्वागत। योगी ने आदिशंकर विमान मंडपम में महानिर्माण अखाड़े के कार्यक्रम में की शिरकत। G20 में भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता, आजादी के 75 साल के पूरे होने के मौके पर 2022 में भारत करेगा शिखर सम्मेलन की मेजबानी। पहले 2021 में और 2022 में इटली में होना था G20, पीएम मोदी के निवेदन पर तारीख बदलने पर दूसरे देशों ने भर दी हामी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यूरोपीय यूनियन भी भारत के साथ, नेताओं ने पीएम मोदी से मिलने के बाद दिया भरोसा। 2019 में भारत दौरे पर आएंगे अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति 26 जनवरी के मुख्य अतिथि होंगे। G20 के बाद भारत के लिए रवाना हुए मोदी, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स हवाई अड्डे से भरी उड़ान। भले में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ झा की सरेआम गुंडागर्दी, एक युवक को बेरहमी से पीटा। दिल्ली पुलिस की भी खुली कलाई, आपके पूर्वांचल मोर्चा के ज्वाइंट सेक्रेटरी युवक को पीट रहे थे, पुलिस मुंह के दर्शक बनी हुई थी। झा ने कानून हाथ में लेने पर दी सफाई, का जिसे पीटा वो छेड़खानी का आरोपी था। यूपी के ललितपुर में आरपीएफ ने किया एक शख्स को गिरफ्तार, फर्जी टीटी बनकर ट्रेनों में करता था वसूली। सिलवेड़ी में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में टीएमसी के दो गुटों में जबरदस्त बमबारी, धमाकों से थर्रा गया पूरा इलाका। बम धमाकों से गांव में दहशत, 7 लोग घायल। पंचायत समिति के गठन को लेकर हंगामा, टीएमसी के दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई। वाराणसी में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के कार्यक्रम में बवाल, दबंग छात्रों ने की पिटाई, पुलिस ने भी धमकाया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे दिनेश शर्मा और बिहार के राज्यपाल। असम के उदलगुड़ी में इंटरसिटी एक्सप्रेस में ब्लास्ट, 11 यात्री घायल। कामाख्या डोका गांव इंटरसिटी एक्सप्रेस की चौथी बोगी में धमाका, ब्लास्ट में आईईडी का इस्तेमाल। मुरादाबाद के कपड़ों के गोदाम में भीषण आग, 15 लाख से ज्यादा का नुकसान। सासाराम पुलिस ने 3 हार्डकोर नक्सलियों के फरार होने की साजिश नाकाम की। पाकिस्तान में पकड़े गए भारतीय मछुआरे का शव 2.5 महीने बाद पहुंचा वतन, 2 साल पहले हुई थी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रिहायशी इलाके में घुसे भालू पर भारी पड़े कुत्ते, भालू को भगाया। कुत्तों के झुंड से गिरे भालू ने हमला भी बोला, लेकिन आखिरकार उसे भागना पड़ा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में टीकाकरण से 3 छात्राओं की बिगड़ी सेहत। फुरादाबाद में बेकाबू ट्रक ने बस को मारी टक्कर, कई घायल। बीकानेर में भारत अमेरिका का साझा सैन्य अभ्यास 19 नवंबर को शुरू होगा, आज होगा खत्म। महाराष्ट्र के अकोला में किसान दंपति ने जहर खाकर आत्महत्या की, फसल और कर्ज से थे परेशान। सहरसा में सड़क पर गाड़ी चलाने के विवाद के बाद युवक की गोली मारकर हत्या, 6 गिरफ्तार। झारखंड के उमला में 2 लाख का नक्सली गिरफ्तार, 3 पिस्तौल, दर्जनों कारतूस, 13 मोबाइल फोन बरामद। छिंदवाड़ा में चलती ट्रेन में सीआरपीएफ जवान ने खुद को मार ली गोली, विशेष ट्रेन से राजस्थान में ड्यूटी के लिए जा रहा था। पुणे में हथियार तस्करी लूटपाट के 5 आरोपी गिरफ्तार, 9 तमंचे, 13 कारतूस बरामद। झांसी में बीजेपी विधायक के पीए की गुंडागर्दी, पेट्रोल पंप पर युवक को पीटा। मोतिहारी में आरएसएलपी नेता प्रेमशाह कुशवाहा हत्याकांड में 2 गिरफ्तार। बिहार के दानापुर में आबकारी विभाग ने जेसीबी मशीन से नष्ट की 3,000 लीटर से ज्यादा शराब। झारखंड के लोहरदगा में पति ने पत्नी को 3 मंजिल से नीचे फेंका, पेड़ से अटककर बची जान।
सेना का जवान है आरोपी, सेल्फी लेने के बहाने पत्नी को धक्का दे दिया। ईसाई रीति रिवाज से निक जोनस से हुई प्रियंका की शादी, आज हिंदू रीति रिवाज से होगा विवाह। शादी के बाद जमकर आतिशबाजी, रंगारंग नजारे से जोधपुर का उम्मीद भवन जगमगाया। प्रियंका की शादी के दौरान मीडिया कर्मियों, बाउंसर्स के बीच झड़प। प्रियंका की शादी में पहुंचे देश विदेश के मेहमान, एलिजाबेथ चैंबर्स भी पहुंची। मुंबई में रणबीर दीपिका की एक और रिसेप्शन पार्टी, लाल पोशाक में दीपिका। रिसेप्शन में दीपिका ने रणबीर ने मीडिया कर्मियों से की मुलाकात, हाथ मिलाकर दी बधाई। पूरा का पूरा बॉलीवुड मौजूद, कारोबारी दिग्गज भी रहे शामिल। सचिन धोनी भी शादी में हुए शामिल, पत्नी मान्यता के साथ पहुंचे संजय दत्त। अनुष्का, रानी मुखर्जी, विद्या बालन ने पार्टी में लगाए चार चांद, हेमा मालिनी, वहीदा रहमान भी पहुंची। गुजरात के नवसारी में भजन कार्यक्रम के दौरान लाखों के नोट की बारिश, हर साल समाज सेवा के कामों में काम आती है रकम। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।